फैमिली कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की चैनलिंग साथ में, और एक कॉन्वर्सेशन करवाएंगे डीएम और डीएफ का, और देखेंगे कि क्या निकल गया आता है। और आप लोग, ये क्लेंजिंग रीडिंग रहने वाली है जैसे कि आप लोगों को पता है, और इसमें आप लोग अपनी मन की बातें अपने डिवाइन मैस्कुलिन से कह पाओगे और उनके जो है आंसर्स आप बिल्कुल ही ले पाओगे इस रीडिंग में। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि हम क्या कहते हैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन को और वो हमको क्या डायरेक्ट जवाब देते हैं। तो इसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ हमारे रोमांस एंजल्स, और इसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ डिवाइन मैस्कुलिन मैसेजेस ऑफ लव। तो गाइस, हम लोग एक लव कॉन्वर्सेशन करने वाले अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ। तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस मेरे चैनल को। आपको पता है इस रीडिंग को कैसे करना है। आप लोगों को गाइस अपने डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में सोचना है, अपनी आंखें बंद करके और इस रीडिंग को सुनना है। तो देखेंगे कि आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन से क्या कहते हो जो डेली में आप नहीं कह पाते हो, या लास्ट कॉन्वर्सेशन में आप नहीं कह पाए थे अपने डिवाइन मैस्कुलिन को वो सब, और उसका जवाब वो आपको क्या देते हैं। तो गाइस, अगेन, अगर आप लोग मुझे रीडिंग लेना चाहते हो, हीलिंग लेना चाहते हो या क्रिस्टल्स लेना चाहते हो, तो मुझे कांटेक्ट करना मत भूलिएगा। नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए गाइस, बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम देखते हैं कि हम अपने डिवाइन मैस्कुलिन को क्या कहना चाहते हैं जो हम लास्ट कॉन्वर्सेशन में नहीं कह पाए थे। ओके गाइस, तो लास्ट कॉन्वर्सेशन में डिवाइन फेमिनिन अपने डिवाइन मैस्कुलिन से क्या नहीं कह पाई थी वो आज डिवाइन मैस्कुलिन बोलेगी। तो पहला कार्ड आया है कि आप उनको और ज़्यादा जानना चाहते हो। ये डिवाइन फेमिनिन अपने मैस्कुलिन को कहना चाहती है कि मैं तुम्हें और ज़्यादा जानना चाहती हूँ, तुमसे बात करना चाहती हूँ, मुझे रिकन्सिलिएशन, मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुमसे बात करना है और मुझे तुम्हें अच्छे से जानना है। तुम्हें क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, ये सब मुझे जो है बातें जानना है। ठीक है, आई एम वेरी ओपन माइंडेड कि तुम जैसे भी हो, जो भी हो, मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगी। मुझे वैसे भी पता ही है कि तुम मेरे यूजुअल टाइप से डिफरेंट हो, तो मैं बहुत ओपन माइंडेड हूँ कि इस कनेक्शन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। तो देखते हैं क्या कहते हैं डिवाइन मैस्कुलिन आपसे इसका के जवाब में। आपको डिवाइन मैस्कुलिन क्या कहते हैं डिवाइन मैस्कुलिन मैसेजेस ऑफ लव से, गाइस क्या कहते हैं आपको वो। ओके, सो कह रहे हैं आई डोंट डिजर्व यू, आई नो दैट, बट आई कैन डू एनीथिंग टू कीप यू। तो कहीं ना कहीं वो ये आपसे छुपा रहे हैं अपने आप को, क्योंकि उनको लगता है कि जैसे वो है वो आपको डिजर्व नहीं करते, इसलिए आपको रखने के लिए अपनी लाइफ में वो आपसे अपनी असलियत छुपाते हैं। ठीक है गाइस, और देखते हैं क्या कहना चाहते हैं आपके जवाब में वो। ये भी कह रहे हैं वो कि आई वॉन्ट टू सी द वर्ल्ड विथ यू, आई वॉन्ट टू डांस विथ यू इन द स्ट्रीट्स ऑफ पैरिस। तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ दुनिया, वो भी चाहते हैं ये रिकन्सिलिएशन, वो भी चाहते हैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपके साथ दुनिया घूमना। द थॉट ऑफ यू बीइंग विथ समवन एल्स मेक्स मी जेलस एंड पैशनेट फॉर यू। तो उनको ऐसा लगता है वो उनके जवाब में कि तुम किसी और के साथ चली जाओगी, वो एक दिन वो थॉट ही मुझे बहुत जेलस कर देता है। ये भी कह रहे हैं कि हेलो आई एम स्पीकिंग टू यू, गो विद इन एंड लिसन टू योर हार्ट। तो कहीं ना कहीं वो आपसे टेलीपैथी से बात करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि टेलीपैथी का रास्ता खोल दो ताकि हम अच्छे से बात कर पाए। तो जो आप कह रहे थे कि हम तुम्हें जानना चाहते हैं और ये सब, तो वो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो आपसे बात अपने मैसेजेस टेलीपैथी के थ्रू आपको भेजना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं। और देखते हैं आप क्या कहना चाहते थे लेकिन आप उनको नहीं बोल पाए, या वो आपको ब्लॉक कर दिए तो आप उनको नहीं बोल पाए। तो चलिए गाइस, रिलीजियस फैक्टर्स। तो कहीं ना कहीं आप कह रहे हो कि हमें पता है कि हम लोग बहुत स्पिरिचुअली डिफरेंट है, ठीक है गाइस, लेकिन मुझे पता है कि यू आर द वन फॉर मी, दिस कुड बी द वन। तो आप ये भी कहना चाह रहे हो उनको कि आप वन साइडेड लव करके आप थक गए हो, आप अकेले काम नहीं कर सकते इस कनेक्शन को सही करने के लिए। और ये लास्ट है कि आप उनको कह रहे हो कि लव योर सेल्फ फर्स्ट एंड लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। तो आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन से कहना चाह रहे हो कि जो है ये रिलीजियस फैक्टर्स है, मुझे पता है बहुत कुछ है, मुझे पता है, पर मैं जानती हूँ कि तुम ही हो, पूरा यूनिवर्स दिखाता है मुझे कि तुम ही हो, लेकिन ये अनरिक्विटेड, मैं अकेले ट्राई नहीं कर सकती। तुम भी अपने आप से प्यार करो और अपने कंट्रोल इश्यूज को जाने दो और अपने आप को चूज़ करो और इस कनेक्शन को एक चांस दो।
अभी ये इस पे के रिप्लाई में डिवाइन मैस्कुलिन क्या कह रहे हैं, योर टच इज इलेक्ट्रिक सो आई ट्राई टू कीप यू एट अ डिस्टेंस। वो आपके जब भी करीब आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं, उनकी इनसिक्योरिटीज, उनके वूंड सब ट्रिगर हो जाते हैं, इसके लिए वो आपके पास नहीं आ पाते और आपको डिस्टेंस पे रखना चाहते हैं। ये भी कह रहे हैं कि इट इज़ ओके फॉर यू टू डू योर थिंग टिल आई कम टू यू, फील फ्री। ठीक है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपना काम करो जब तक हम आपके पास आ जाते हैं वापस रेडी होके। मतलब एक सेपरेशन और दूसरे रीयूनियन के बीच में उनको जो टाइम चाहिए होता है, वो टाइम में वो चाहते हैं कि आप अपना काम करो ताकि वो शॉक बर्दाश्त करके आपके पास वापस आ सके। और चलिए गाइस देखते हैं और क्या कह रहे हैं। आई नेवर थॉट इट वुड बी ईजी टू बी सो ईजी टू बी माई सेल्फ अराउंड यू। तो उनको ऐसा लगता है कि मतलब वो अपने रियल सेल्फ हो जाते हैं, वो अपना सब सच मतलब बोल देंगे आपको, इसीलिए जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को डिस्टेंस में रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको इतनी खुशी होती है कि आप उनको जैसे है वो वैसे एक्सेप्ट करते हो, और फिर डाउट भी आ जाता है उनको कि ऐसे कैसे कर लेते हो आप। ठीक है गाइस, तो इसीलिए दे डोंट डिजर्व यू, उनको ऐसा लगता है, उनको शॉक लगता है कि ये क्या हो रहा है, मैं ये ऐसे कैसे बिहेव कर रहा हूँ मैं इसके सामने, दिस इज़ सो फूलिश ऑफ मी। तो इसी वजह से वो ट्रिगर हो जाते हैं। इफ आई टोल्ड यू व्हाट आई ट्रूली फील फॉर यू, यू विल रन अवे फ्रॉम मी आई एम श्योर। देखिए गाइस, ये फील करते हैं आपके लिए, और इनका जो है प्रॉब्लम कि पहले भी इनके लाइफ में ऐसे हो चुका है कि इन्होंने लोगों को एक्सप्रेस किया हो और लोग इनके से इनके इमोशंस के वजह से भाग गए हो, और अभी ये अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं बड़ी अच्छी तरीके से, और ये अपने फीलिंग्स आपको नहीं बताना चाहते क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप है और उनको लगता है आप उनको नहीं समझोगे। ठीक है गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या, मतलब ये लास्ट राउंड रहने वाला है कॉन्वर्सेशन, तो देखते हैं और क्या क्या कहना चाहती है डिवाइन फेमिनिन अपने डिवाइन मैस्कुलिन से। ओके, आप उनसे कह रहे हो कि स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, तो आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को समझाना चाह रहे हो कि पॉजिटिव रहो, ये अट्रैक्शन है, हम लोग दोनों एक दूसरे से काफ़ी अट्रैक्टेड है, ये रोमांटिक फीलिंग्स भी बहुत है, ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, ये एक रोमांटिक फीलिंग्स है हम लोगों को एक दूसरे के लिए, और आप सेपरेशन में नहीं रहना चाहते हो। तो गाइस, वो आप ये भी कह रहे हो कि जब हम अपने रोमांटिक फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो तुम क्यों चले जाते हो, गिव दिस रिलेशनशिप अ चांस। ठीक है गाइस, बॉटम ऑफ द डेक है कोडिपेंडेंसी, तो आप उनको ये भी समझाना चाह रहे हो कि वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन यू। ठीक है गाइज, आप ये भी समझाना चाह रहे हो कि वी लव यू एंड वी केयर फॉर यू, बट इतने ऐसे नहीं है कि हम आप पे एडिक्टेड नहीं है या को डिपेंडेंट नहीं है। तो चलिए इस पर डिवाइन मैस्कुलिन आपको क्या कहना चाहते हैं, चलिए चल के देखते हैं। आई वॉन्ट यू टू पनिश मी बट आई नो यू वॉन्ट सो आई पनिश माई सेल्फ। तो उनको ऐसा लगता है कि आपको उनको वापस नहीं लेना चाहिए हर बार, और आपको उनको एक चांस, लास्ट चांस एवरी टाइम नहीं देना चाहिए, आप नहीं करते हो ऐसा, इसलिए वो दूर चले जाते हैं। ठीक है, देयर इज़ नो प्लेजर इन हर्टिंग यू, ट्रस्ट मी आई क्राई टू। तो उनको ये आपको ये भी कहना चाहते हैं कि तुम्हें ऐसे दूर रख के मुझे कुछ नहीं मिलता है, और मैं जो है तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे कोई मज़ा नहीं आता है, मेरा भी दिल टूटता है, लेकिन तुम मुझे समझती नहीं हो, बिकॉज मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस, तो तुम मुझे नहीं समझती, तुम मुझे समझने की कोशिश ही नहीं करती, तुम मेरे साथ उस पॉइंट ऑफ व्यू को जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, तुम कभी वो समझना ही नहीं चाहती, तो इसीलिए मुझे तुम्हें दूर रखना पड़ता है और ख़ुद को पनिश करना पड़ता है और तुम्हें हर्ट करके भाग जाना पड़ता है। ठीक है गाइज, नॉर सोसाइटी नॉर रिलीजन विल मैटर व्हेन आवर टाइम कम्स। ठीक है, ना सोसाइटी ना रिलीजन मैटर करेगा जब हमारा यूनियन टाइम आएगा, और इससे मुझे एक बात क्लियर करने को बोल दी गई है एंजल्स और डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से, कि डिवाइन फेमिनिन की एक टेंडेंसी होती है कि वो एक पॉइंट बोलती है कि डिवाइन मैस्कुलिन बोलते हैं हम फ्रेंड्स रहे, तो नहीं, डिवाइन फेमिनिन बोलती है मुझे रिलेशनशिप ही चाहिए, फिर डिवाइन मैस्कुलिन फिर से ट्राई करते सम टाइम के बाद वो फिर से बोलती है नहीं मुझे रिलेशनशिप ही चाहिए, और ये जो एक ही कैसेट है डिवाइन फेमिनिन का हर बार वहीं पे जाके अटकता है, तो इसीलिए डिवाइन मैस्कुलिन जो है उनको लगता है कि वो कितना भी ट्राई कर ले डिवाइन फेमिनिन उनको बिल्कुल भी नहीं समझने वाली, इसके लिए उनको बार बार उनको छोड़ के जाना पड़ता है, और वो हर्ट आप
इसलिए वजह से होते हो कि आप यही चीज़ उनसे एक्सपेक्ट करते हो जो अभी उनको लगता है वो आपको नहीं दे सकते। आप करंट एनर्जीज में बहुत सारी चीज़ें हैं जो है हम लोग को गलत गलत गई सिखाई गई है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि बाउंड्रीज बनाना, और बहुत गलत तरीके से समझाया गया है ये बाउंड्रीज बनाना, या ये कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मैं बात करूँगी बाद में, या मतलब हम फ्रेंड जोन किए जाएंगे अगर हमने फ्रेंड ही रखा उनको तो, और हमसे फ्रेंड ही रहे तो हम फ्रेंड जोन में आ जाएंगे उनके, और वो ज़िंदगी भर हमें फ्रेंड की तरह ही ट्रीट करेंगे, और वो हमारे फियर्स होते हैं गाइस, हमारा ईगो होता है, हमारा इनसिक्योरिटी होता है, जिसके वजह से हम उनको समझना ही नहीं चाहते, और हम चाहते कि वो दे गेट आ पॉइंट, बट हमको यही नहीं पता कि दे हैव ऑलरेडी गॉट आ पॉइंट, हमारा पॉइंट वो ऑलरेडी समझ चुके हैं, लेकिन हम वही वही कैसे जो है रिपीट करते रहते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये जो है ट्रिगर भी होगा कहीं ना कहीं, आपको ये समझ भी आए तो अच्छी बात है कि गाइस हम फ्रेंड जोन नहीं होंगे, ठीक है गाइस, उनको हमारे लिए रोमांटिक फीलिंग्स है तो हमको थोड़ा सा इस जर्नी पर ट्रस्ट करना पड़ेगा और थोड़ा सा फ्लो के साथ जाना पड़ेगा। तो गाइस इसी के साथ मैं आज का रीडिंग ख़त्म करती हूँ, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।